हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऑरेंजेस, जैसा कि मेरे पास भी है अभी, ऑरेंजेस खाने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमारे डाइट में ऑरेंजेस ज़रूर होने चाहिए। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल हेल्दी बॉडी को ये प्रमोट करता है, इसके अमेजिंग फ़ायदे हैं नो डाउट। सो ऑरेंजेस जो हैं वो काफ़ी रिच होते हैं फाइबर में, और फाइबर जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए एक गुड अमाउंट में फाइबर एवरी डे हमारे बॉडी में जाना चाहिए। फाइबर जो है वो जनरली पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशंस आजकल हर किसी की प्रॉब्लम है, उससे ये बचाता है। और विंटर का टाइम है और इसका सीज़न भी है, सो आप तो हम बहुत सारा इस सीज़न में खा सकते हैं और ख़ुद को हेल्दी बना सकते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन से हमें ये बचाता है बिकॉज ऑफ ये काफ़ी रिच होता है फाइबर में। सो हमें ज़रूर खाना चाहिए, और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं अगर हम ऑरेंजेस को खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें विटामिन सी जो है वो काफ़ी रिच होता है, ये विटामिन सी से, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए विटामिन सी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें तो वो भर भर के है विटामिन सी। सो ये भी एक रीज़न है कि ऑरेंज हमारे डाइट में हो। इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम कम बीमार पड़ते हैं, ये हम सभी को पता है। और अगर हम ऐसी चीज़ें जिसमें कि फाइबर हो, एक मिनरल्स विटामिन्स ये सारी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है, अगर हम ऐड करते हैं स्पेशली ऑरेंजेस जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सो अगर वो हमारे डाइट में एवरी डे हो, सो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है और हम कम बीमार पड़ते हैं। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली में हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। रीज़न वही है कि इम्यून सिस्टम वीक होना, हमारा डाइट सही नहीं होना। सो उसको हम अचानक से तो नहीं, बट धीरे धीरे करके ही उसको ट्रैक पे ला सकते हैं, अपने डाइट में चेंजेस करके ट्रैक पे ला सकते हैं। और ऑरेंजेस जो है, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग बनाना है तो ऑरेंजेस हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। सो ये काफ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ फाइबर ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करता है ऑरेंजेस जो है। और अगर आपको सिट्रस फ्रूट्स पसंद है तो ऑरेंजेस डेफिनेटली आपके डाइट में होना चाहिए। ये हार्ट डिजीज़ को, जो कि आजकल काफ़ी अगर आप देखो तो यंग एज में ही लोग इसके चपेट में आ जाते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर अगर हम खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आजकल हाई रहता है सबका, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये मैनेज करता है, उसको ये स्टेबल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल में, बैड से गुड में उसको ये लेकर आता है। सो इसके फ़ायदे अमेजिंग है, नो डाउट। और ये हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये विंटर का टाइम है और इसका सीज़न है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस खाएं। और जनरली कई बारी क्या होता है कि ऑरेंज जूस वर्सेस दिस होल ऑरेंज, सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जूस के साथ कुछ नहीं है अगर आप फ्रेश निकाल के पी रहे हो तो। प्रॉब्लम तब होती है जबकि हम मार्केट से ऑरेंज जूस लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आप जूस में देखो तो एक ऑरेंज जूस ही आप पी सकते हो, और सारे में तो इतना ज़्यादा शुगर होता है। बट ऑरेंज के साथ भी सेम है, अगर आप जूस फ्रेश पी रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप खरीद के ला रहे हो कि ये तो ऑरेंज जूस है, लेकिन ये फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे जो कि होल खाने से मिलेंगे, क्योंकि उसके फाइबर जो है वो बिल्कुल लो पे चले जाएंगे, क्योंकि वो तो जूस फॉर्म में आ गया, सारा फाइबर उसका निकल गया, तो फ़ायदे इतने मिलेंगे नहीं, प्लस शुगर आपके बॉडी में जाएगा वो अलग। सो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम होल ऑरेंज ही खाएं, जूस अगर पीना भी है तो फ्रेश जूस पिए, और अभी विंटर के टाइम में तो जूस अवॉइड करके हमें होल ऑरेंजेस ही खाने चाहिए। इस सीज़न में आप देखो, या जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, स्प्रिंग
वो जैसे ही वो मौसम स्टार्ट होता है, हर किसी को कफ, कोल्ड, गले में दर्द वो स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ तो ये डेफिनेटली होना ही होना है कि मैं पूरे ठंड बिल्कुल ठीक रहती हूँ, और जैसे ही ठंड खत्म होता है मुझे कफ कोल्ड एक बारी जरूर जोर से पकड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग दवाएं खाने लगते हैं और सिरप पीना शुरू कर देते हैं, बट मैंने आज तक वो कुछ भी नहीं, मैं दवाएं नहीं खाती हूँ, सिरप नहीं पीती हूँ स्पेशली कोल्ड कफ के लिए। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत सारा ऑरेंजेस, जो कि आप खाते हो तो आपको फील होता है कि आपके गले में और हर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप लगातार खाते रहते हो तो आप फील करोगे कि आपका जो कोल्ड कफ है वो अचानक से गायब हो जाता है। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज अपने सिट्रस प्रोफाइल की वजह से, इसका जो सिट्रस प्रोफाइल है वो इसको बेस्ट बनाता है सिट्रस फ्रूट्स में। सो ये सारे रीजंस हैं कि ऑरेंज हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए और एवरी डे होना चाहिए इस सीज़न में। सो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आप भी अगर खाते हो तो टू गुड, अगर नहीं खाते हो तो आज से ही बहुत सारा ऑरेंजेस खाना स्टार्ट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।